पिछले एपिसोड में आप सभी ने देखा हमारा फ्रैंकलिन ऑफिस जाते समय सिंचन पिंचन चॉप को अवेंजर्स के घर छोड़ने जाता है, लेकिन वहीं पर अवेंजर्स उससे गुजारिश करते हैं कि वो बहुत वीक हो गए और उनको पुलिस में ज्वाइन होना है। लेकिन हमारे फ्रैंकलिन का ऑफिसर जो सीनियर होता है वो बुरी तरह से फ्रैंकलिन को और उसके दोस्तों को मार के बाहर निकाल देता है, बोलता है कि पहले ट्रेनिंग करानी होगी। हमारा फ्रैंकलिन डॉक्टर मिक्सेट के थ्रू यहाँ पर अवेंजर्स की ट्रेनिंग लाने आता है, लेकिन अवेंजर्स बुरी तरह से पुलिस की ट्रेनिंग में बुरी तरह से फेल हो जाते हैं और यहाँ पर अब फ्रैंकलिन ठान लेता है कि सबसे पहले वो ही उनको ट्रेनिंग देगा पुलिस बनने के लिए। हमारा टोनी स्टार्क और बाकी अवेंजर्स अपनी पुलिस की ट्रेनिंग में बुरी तरह से हार पिट के आ जाते हैं, इसलिए वो गुस्सा होकर भाग जाते हैं, लेकिन हमारा फ्रैंकलिन यहां पर उनको मनाता है और यहां पर ब्लैक फ्रैंकलिन से एवेंजर्स को बचा लेता है। फिर फाइनली हमारे एवेंजर्स ट्रेनिंग करके एक काबिल पुलिस ऑफिस बन जाते हैं और वो फाइनली अब पुलिस वाले बन जाते हैं। और अब आगे गुड मॉर्निंग गाइस, आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आप सभी को याद होगा फ्रैंकलिन ने हमें ट्रेन किया था पुलिस ऑफिसर बनने के लिए, हमें पुलिस की नौकरी तो मिल गई थी यार, लेकिन हमें ना लिटरली में उसकी ना यूनिफॉर्म ही नहीं मिली। इसलिए मैंने वहां पर पुलिस डिपार्टमेंट से बोला भाई मेरे को चाहिए आयरन मैन वाली पुलिस यूनिफॉर्म। सही कह रहे हैं आप। ओ भाई साहब एक मिनट, ये सारे अवेंजर्स कहाँ गए? हमारी पुलिस की कार तो यहीं खड़ी है घर पर, लेकिन अवेंजर्स नहीं है। अवेंजर्स, अरे मेरी यूनिफॉर्म दो भाई। गाइस आप लोग ना शौक हो जाओगे इसको देखे। सोचिए आयरन मैन का सूट प्लस उसके ऊपर यूनिफॉर्म। लेकिन यार ये अवेंजर्स हैं कहाँ पर? इन्होंने मेरा आयरन मैन का सूट और वो यूनिफॉर्म कहाँ छुपा दी? अरे गाइस पुलिस स्टेशन की इनकी गाड़ी भी यहीं है। मेरे हिसाब से हो सकता है ये टैक्सी लेकर थाने चले गए हों। हो सकता है गाइस, चलो एक काम करते हैं मैं जल्दी से स्टेशन जाता हूँ, क्या पता दोस्तों अभी तक मेरी यूनिफॉर्म आई नहीं पाई हो, वो स्टेशन चले गए उसको लेने, ये भी तो सकता है। खैर चलो जल्दी देखते हैं, अब पता चल ही जाएगा। मैं लिटरली मैं जल्दी से उस यूनिफॉर्म को पहन के सबसे पहले फ्रैंकलिन को दिखाऊंगा। मैंने सुना है फ्रैंकलिन ने पता नहीं किस बात की छुट्टियां ले ली हैं भाई, लोग बोल रहे थे उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फ्रैंकलिन की तबीयत ठीक ही रहती है। खैर कोई नहीं। और ऑफिसर्स कैसे हो? ओ भाई आ गया टोनी, आ गया, अंदर जा, तेरे को मजा आ जाएगा देख के। क्या मजा आ जाएगा? ओ शायद ये लोग भी मेरी यूनिफॉर्म देख के पागल हो गए। अरे एक बार अंदर तो जा बेटा, पता चल जाएगा क्या हुआ है। क्या हो गया भाई? अब तो थोड़ा सा डर लग रहा है मुझे। खैर चलो मैं तुम लोगों को भी अपनी पुलिस वाली आयरन मैन की यूनिफॉर्म दिखाई दूंगा, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? अरे बाप रे, वाह ऑफिसर्स तुमने तो यहाँ हैं। एक मिनट, अबे तुम लोग अंदर क्या कर रहे हो? क्या बदतमीजी कर दी तुमने जो जेल में पहुंच गए? अरे बाप रे, हल्क ने कोई बदतमीजी नहीं की, हल्क ने सिर्फ यहाँ पर बर्गर खाया था, इन्होंने हल्क को घर से उठाया। व्हाट, ये क्या हो रहा है? एक मिनट तुम यहीं रुको। हेलो ऑफिसर, ये ओ भाई साहब, गाइस इसकी आर्म्स पे देखो स्टार लगे पड़े हैं। देख लो ऑफिसर देख लो, यहाँ पर ये मेरे सूट को अपना सूट बता रहा है। अपना सूट बता रहा है? अबे मेरा ही तो सूट। एक मिनट, मेरा सूट बोल भी सकता है? ऐसा कुछ नहीं है बेटा, हमें सब पता चल गया है, हमारे इस नए ऑफिसर ने बता दिया कि तू कितना ज्यादा बुरा है टोनी स्टार्क, तू पुलिस में रहने के लायक नहीं है। बिल्कुल ऑफिसर, यहाँ पर ये टोनी स्टार्क बहुत बड़ा क्रिमिनल है, इसके घर में इलीगल वेपन्स रखे रहते हैं, ये बच्चों की किडनैपिंग करवाता है। अबे कैसी बातें कर रहा है भाई, तू कौन है पहले तो ये बता, और मेरा भाई फ्रैंकलिन कहाँ पर है? ओ फ्रैंकलिन तो अच्छा हुआ चला गया यहाँ से। चला गया? इसका क्या मतलब है? हमने फ्रैंकलिन को धक्के मार के बाहर निकाल दिया यहाँ से, उसकी कोई जगह नहीं है। लेकिन तू है कौन? अबे ये तो ब्लैक फ्रैंकलिन है, मेरा फ्रैंकलिन कहाँ पर गया? मैं ही यहाँ का असली ऑफिसर हूँ समझा, तेरा फ्रैंकलिन तो फ्रॉड था फ्रॉड। अरे टोनी सर बचाओ, तुम चिंता मत करो मैं बचा लूंगा। गाइस ये सब क्या चल रहा है, मुझे कंफ्यूजन हो रही है। कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही, ऑफिसर मेरे साथ आओ, मैं दिखाता हूँ उसके घर पर कितने इलीगल वेपन रहते हैं। हाँ दिखा दे दिखा दे, मेरे घर पर कोई इलीगल वेपन नहीं रहते। मजा आएगा, टोनी तो गया। हाँ बिल्कुल भैया मजा आएगा, टोनी तो गया, उसके दोस्त भी गए, ऐसा कुछ नहीं है। अभी रुक जा बेटा तू टोनी स्टार्क, एक बार तेरे घर पर हमें प्रूफ मिल गया ना कि तेरे घर पर इलीगल वेपन है, तो यहाँ पर हम तुझे 100 साल की जेल करेंगे। 100 साल? अबे इतनी तो जिंदगी भी नहीं होती इंसान की, मुझे सड़ाओगे क्या? और यार वो मेरा लिटरली में यूनिफॉर्म है जो आयरमैन के सूट के साथ है, तुम लोगों के पास क्या कर रहा है वो? मुझे चाहिए। चुप कर, तू यहाँ पर पुलिस बनने के लायक नहीं है स्टार्क। ना देख लो यहाँ पर मेरी लैब में ना सिर्फ मेरे आयरमैन के सूट मिलेंगे, कोई इलीगल वेपन नहीं मिलने वाले। अरे बेटा ब्लैक फ्रैंकलिन कहाँ पर इलीगल वेपन हमें नहीं दिख रहे? आ जाओ आ जाओ नीचे आ जाओ। गाइस ये इतनी श्योरिटी से क्यों बोल रहा है? अरे बाप रे, देखा देखो देखो ये रही इलीगल मिसाइल्स, इन मिसाइल्स में इतनी ताकत है कि एक ब्लो में पूरे शहर को उड़ा दे। यार बाप रे ये तो सच में बहुत खतरनाक मिसाइल है ये टोनी स्टार्क, ये तूने इलीगल वेपन। अरे बाप रे यहाँ पर एटम बम भी है। मैंने बोला था ना ये यहाँ पर ऐसी अमीर नहीं बना, इसने दुश्मन देशों को, हमारे खतरनाक टेररिस्ट देशों को ये वेपन्स बेचे हैं। अरे ये क्या हो रहा है? एक मिनट, अरे सर ये क्या मेरे घर में गाइस इतने खतरनाक मिसाइल्स क्या कर रहे हैं? गाइस ये मुझे फंसाने की चर्चा चल रही है यहाँ पर, मेरे सारे एवेंजर्स को फंसा दिया और फ्रैंकलिन को पता नहीं कहाँ भगा दिया। ऑफिसर मेरी बात सुनिए प्लीज, मेरी बात मानिए, ये मेरा कोई नहीं इसमें हाथ नहीं है। तेरा
हाथ नहीं है तो फिर किसका हाथ है? ओ, अरे बाप रे यार, यार इतने वेपन तो मिलिट्री के बेस में नहीं होते जितने तुमने यहाँ पर लाके रख दिए हैं। भाई साहब ये तो मेरी रिसर्च लैब है। रिसर्च लैब? अरे बाप रे, ये क्या चीज है? मेरे को तो उसको देख के डर लग गया। क्या तुम लोग इसको भूल गए? 2015 में एज ऑफ अल्ट्रॉन के टाइम पे इसी ने हमको बचाया था। देख लो ऑफिसर, देख लो ये अल्ट्रॉन बना रहा है। अबे अल्ट्रॉन नहीं है, वो विजन है। गाइस कोई प्लीज कमेंट में यस लिखो, ये ब्लैक फ्रैंकलिन तो मुझे फंसा रहा है। देखो देखो ऑफिसर देखो, इसमें से खून भी निकल रहा है, मतलब ये इंसान है, ये इंसानों पे यहाँ पर बुरा वाला एक्सपेरिमेंट करता है। यार ऐसा नहीं है, प्लीज ऑफिसर मेरी बात मानो, मेरे एवेंजर्स दोस्तों को छोड़ दो, ये ब्लैक फ्रैंकलिन आपके पूरे पुलिस स्टेशन को, पुलिस डिपार्टमेंट को करप्ट कर देगा। करप्टेड बोलता है मुझे? अबे रुक टोनी स्टार्क, तेरे मां भी गोलियां मारता हूं। नहीं 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 ब्लैक फ्रैंकलिन, अरे गाइस कोई बचा, फ्रैंकलिन तू कहां है मेरे भाई, ये मेरे को मार रहा है। प्लीज गाइस जल्दी वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब, ये मुझे मार देगा। टोनी स्टार्क अब जेल में सड़ने के लिए तैयार हो जा, पूरी जिंदगी बहुत मजे ली है ना बेटे तूने, अब देख मैं तेरे साथ क्या क्या करूंगा। नहीं मैं यहाँ पर जेल नहीं जाऊंगा जब मैंने कुछ गलत काम किया ही नहीं है। गाइस मुझे तो लगता है पूरा का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट ही करप्टेड हो गया है, यहाँ पर सबके सब मुझे पीट रहे हैं, जबकि आज तो मुझे मेरी यूनिफॉर्म मिलनी चाहिए थी। मैं तुम सबको देख लूंगा, सबसे पहले मुझे यहाँ पर अवेंजर्स को बचाना। भैया बॉस वो भाग गया, अरे अभी बताया टोनी रुक जा तेरे को गोली मार दूंगा। मार ले, मेरे को कुछ नहीं होने वाला, मैंने यहाँ पर बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी है। अरे बाप रे दर्द तो फिर भी हो रहा है, मरेगा तो टोनी। ए बोल रहा हूँ मैं तेरे को मार दूंगा, दस बता रहा हूँ मैं तेरे को सच में मार दूंगा, मेरा निशाना बहुत खतरनाक है। अरे गाइस ये बहुत बुरा मार रहा है, मैं यहाँ पर नहीं रुकने वाला, मैं किसी भी हालत में एक सच्चा और अच्छा पुलिस ऑफिसर बन के दिखाऊंगा। तुम करप्टेड ऑफिसर्स मुझे नहीं रोक सकते, मुझे फंसाया जा रहा है, मैं अपने लिए लॉयर लाऊंगा, कुछ भी करूंगा। ऑलराइट गाइस मैं पुलिस स्टेशन के पास आ चुका हूँ और यहाँ पर जितने भी ऑफिसर है लिटरली में सब के सब मेरे खिलाफ हैं। ये कैसे मेरा स्वागत कर रहे थे, मेरी बुरी दिन का, मेरी बुरे नसीब का, इन सबको देख लूंगा। एक बार मुझे पता चले कि यहाँ पर ये हो क्या रहा है, अवेंजर्स स्टेशन के अंदर कैसे पहुंचे, वो भी जेल में डायरेक्ट, मुझे समझना होगा। गाइस यहाँ पर सारे के सारे ऑफिसर्स का ध्यान इस समय मुझ पर है, इसलिए मुझे बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा। भागो भागो अवेंजर्स, मुझे बस इतना बताओ फ्रैंकलिन क्या है? अरे टोनी सर हमें नहीं पता, बस लास्ट टाइम देखा था तो फ्रैंकलिन रगड़ रगड़ के चला था जमीन पे। क्या फ्रैंकलिन रगड़ रगड़ के? एक मिनट, उसकी टांगों को इन्होंने कुछ दिक्कत कर दी क्या? मेरे को तो लगता है हमारा फ्रैंकलिन को मार दिया, अब हम तेरे को भी मारेंगे। हाथ ऊपर कर, बरकुरदार हाथ ऊपर कर, वरना तेरे को छोड़ेंगे नहीं। ओ भाई हाथ ऊपर कर वरना मार देंगे। अरे बाप रे, यहाँ तो सारे के सारे पुलिस वालों ने मुझ पर बुरी तरह से हाथ ऊपर कर जान से मार देंगे। हाथ ऊपर कर जान से मार देंगे तेरे को। अच्छा ठीक है, हाथ ऊपर कर रहा हूँ। अरे मत मार, मारो बॉस, ये यहाँ पर हाथ ऊपर करने नहीं बोल रहा है। अरे तेरी तो हट, यहाँ से बोल तो रहा था मैं, बेवकूफ लोग कहेंगे तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे, मैं अपने फ्रैंकलिन को ढूंढ लूंगा। गाइस इन्होंने फ्रैंकलिन को बुरी तरह से पीटा, वो लिटरली में अरे मारा। अरे नहीं गाइस ये तो बहुत बुरी तरह से मारा है। ऑफिसर मैं तुझे देख लूंगा, ये मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। कापरे तो आरपीजी बजा रहा है रे भाई। अबे तू फर्जी पुलिस वाला टोनी स्टार्क, तेरे बस की पुलिस वाला बनना नहीं है, मैं पुलिस वाला बन के दिखाऊंगा सबसे टॉप का, तुम देख लेना सबसे इंतकाम। अरे मैं अवेंजर्स को ही बचाऊंगा, अवेंजर्स को तो हम फांसी लगाएंगे। फांसी? ओ नो, मेरे अवेंजर्स ने ऐसे कौन से जुर्म कर दिए जो ये फांसी लगाने की बात कर रहे हैं? फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन तो हमें छोड़ के कहां गया? अजी बाप रे फ्रैंकलिन भैया, आपकी हालत तो देखने लायक नहीं बची। देखने लायक मत बोलो, बैठने लायक नहीं बची, खड़े होने लायक नहीं बची। ये कैसे हो सकता है? किसे बाबा सवारा कलुआ पाई जो गया, ये क्या हो गया फ्रैंकलिन तुझे? इसका मतलब सारे स्पाइडरमैन और अवेंजर्स सच बोल रहे थे, तेरी टांगे किसने तोड़ दी? उन पुलिस वालों ने। हाँ, वो सब की सब पुलिस वालों ने मेरी फ्रैंकलिन भैया को धोबी काट के कुत्ते की तरह धोया। यार कम से कम मेरी बेइज्जती तो कम करो, ऑलरेडी मेरे जख्म हुए पड़े हैं। टोनी स्टार्क तू भी पिट के आ गया उनसे, लेकिन ये ब्लैक फ्रैंकलिन तेरी जगह कर क्या रहा है मुझे भी नहीं पता। तुझे पता है उसने तेरी यूनिफॉर्म भी छीन ली? मैं जानता हूँ कितना स्पेशल यूनिफॉर्म था मेरा, आयरन मैन का स्पेशली बनवाया था, लेकिन फ्रैंकलिन मुझे इतना पता मैं सब कैसे ठीक कर सकता हूँ। डॉक्टर मिक्सिट के पास जाकर उससे ट्रेन हो, दुनिया का सबसे बेस्ट ऑफिसर बन और उन सबको जेल में डाल दे। बिल्कुल सही कहा, मैं यहाँ पर अपने आप को निर्दोष साबित करके दिखाऊंगा, इसलिए सबसे पहले मैं बेस्ट ट्रेनिंग लूंगा। इस बार गाइस मैं ना पुलिस वाला होकर नेवी से भी बेस्ट लेवल की ट्रेनिंग लूंगा। ओए डॉक्टर मिक्सिट, अरे वाचे तू कौन है, मैं तेरे को भूल गया क्या? अरे पिछले हफ्ते ही तो मैं अवेंजर्स आए थे तुझसे पिट कर गए थे, फिर उसके बाद दो दिन बाद और आए थे और हमने टेस्ट पास कर लिया था, फिर उसके बाद हम फ्रैंकलिन के साथ साथ ऑफिसर बन गए थे, तुझे याद है? भाई यार ब्लैक फ्रैंकलिन ने धोखा कर दिया, फ्रैंकलिन को अपाइस बना दिया, अवेंजर्स को जेल में डाल दिया और मुझे भगा दिया। प्लीज यहाँ पर मेरे को ट्रेनिंग दे, तेरे को ट्रेनिंग चाहिए बच्चा? तू तो क्रिमिनल निकला, मैं तेरे को जान से मार दूंगा, मैं क्रिमिनल लोगों के साथ काम नहीं करता, मैं बहुत ही साफ सुथरा आदमी हूँ, निकल यहाँ से, पूरा समय पर बात कर दिया। अरे बाप रे मिक्सेट, मिक्सेट मुझे लगता है गाइस ये मिक्सेट भी करप्ट हो गया और मेरे को करप्ट बोलता है बच्चा, और मारूंगा। गाइस पूरा डिपार्टमेंट करप्ट हो चुका है, मैं इन सबको बाहर निकाल निकाल के मारूंगा, एक बार बेस्ट पुलिस वाला बन जाऊं। अब तो गाइस मेरा फ्रैंकलिन ही मुझे ट्रेनिंग दे सकता है, आप सभी को याद है लास्ट टाइम फ्रैंकलिन ने मुझे ट्रेनिंग दी थी और मैं टेस्ट में पास हो गया था, इस बार भी यही होगा। मैं अपने एवेंजर्स को तभी बता सकता हूँ जब मैं बेस्ट
पुलिस वाला बन जाओ। अरे बाप रे, ये टोनी भैया तो और भी बुरी तरह से पिट कर रहा है। मां बालता, हमारी टीम तो बड़ी सस्ती है, जब देखो पिटती रहती है। अबे टोनी, ये क्या हो गया तुझे? यार मिक्सेट भी उनके साथ मिला पड़ा है, सब करप्टेड है फ्रैंकलिन, अब तुझे मुझे ट्रेनिंग दोगी? ठीक है मेरे भाई, वैसे तो मेरी हालत चलने लायक नहीं है, लेकिन हाँ मैं तुझे कम से कम ट्रेनिंग तो दे सकता हूँ। चल मेरे साथ, हम सीधे चल रहे एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट पर क्यों, हमें देश छोड़ के थोड़ी जाना है। अरे मेरा मतलब वहीं से तेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। चलो गाइस देखते हैं अब फ्रैंकलिन मुझे किस तरह से ट्रेन करेगा एक नया और खतरनाक पुलिस ऑफिसर बनाने में। ऑल राइट गाइस, जल्दी से एयरपोर्ट पे आ गए हैं। बाप भाई तो कल भाई, तू तो कितनी तेजी से भाग रहा है भाई, बाप आई जो कर रहे, तू तो तेज हो गया। अरे हाँ बात तो सही है। मेरी बात सुनो गाइस, यहाँ पर ना हम टोनी स्टार्क को ट्रेनिंग देने हैं, इसलिए तुम सबको सीरियस रहना होगा, क्योंकि टोनी स्टार्क को अगर पूरा ध्यान लगाना है तो उसको सीरियस रहना होगा। बिल्कुल सही कहा, लेकिन तू ट्रेनिंग में मुझसे करवाया गया मेरे भाई, यहाँ पर पिछली बार तो तूने बहुत बुरा पिटवाया था मुझे। चिंता मत कर, इस बार एडल से लड़ना है। सामने तुझे ये खतरनाक तरीके की रैंप दिख रही है? अबे ये रैंप थोड़ी है, ये तो आग है, मतलब यही रैंप जिसके बीच में आग है। अजी बापी, इसमें इनको पकौड़े तलने हैं क्या? नहीं, इसमें टोनी स्टार्क तुझे यहाँ से स्टार्ट करना होगा और इसके एंड पॉइंट तक जाना होगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड के अंदर। अगर तू ये नहीं कर पाया तो हार जाएगा। अब फ्रैंकलिन मेरा जिंदा कबाब बन जाएगा वहाँ, भाई क्या कह रहा है तू? चल ठीक है, फिर भी जा रहा हूँ गाइस। यार फ्रैंकलिन मेरा खतरनाक मेंटोर है, लिटरली मैं इतनी खतरनाक ट्रेन देता है। स्टॉक ध्यान रखना, सिर्फ 30 सेकंड है और गिनती मैं गिनूंगा, 2, 4। अब सिंचन को बिल्कुल गिनती नहीं आती, 2-4 करके गिन रहा है भाई। बाबा तो मैं गिनूंगा, 11, 12, 15। अब यार तुम सब चुप रहो प्लीज, मैं यहाँ पर खुद ट्रेनिंग कर लूंगा। गाइस आग से तो बच रहा हूँ मैं। हे ये क्या हो गया टोनी सर, तो यहाँ पर पकौड़ा बन गए? अब ये क्या, ओ नो, जमीन पे भी आकर है, कम से कम पहले जमीन पे आगे। फ्रैंकलिन मुझे बचा। मेरे भाई अभी 30 सेकंड पूरी नहीं है। अब 30 सेकंड जाए तेल लेने भाई, मैं यहाँ पर जल जाऊंगा तो पुलिस वाला कब बनूंगा? ये कैसी ट्रेनिंग है? फ्रैंकलिन मुझे बचा, मैं नहीं कर रहा इस ट्रेनिंग को, जल्दी भागता हूँ। अरे बाप रे, ये कितना लंबा रास्ता है, बंद क्यों नहीं होता है? लगता है टोनी भैया हार गए, 30 सेकंड हो गई। 30 सेकंड हो गई, अरे बाप रे, मैं अभी तक जिंदा हूँ, मैं तो हैरत में हूँ। बहुत बुरा चल रहा हूँ गाइस, आप लोग प्लीज कमेंट में आयरन मैन ओपी लिखो, मेरे को इस ट्रेनिंग को पास करनी पड़ेगी। एक मिनट गाइस, स्टॉक को पूरे 1.5 मिनट हो गए, बाहर क्यों है स्टॉक? कहाँ पर है तू टोनी? ओ नो यार, वो तो अंदर है, अब भी उसको बाहर निकालना पड़ेगा हमको। यार टोनी जल्दी इधर आ। फ्रैंकलिन यार मैं जल गया, मेरी हालत खराब हो गई, मैं यहाँ मर जाऊंगा, ये कैसी ट्रेनिंग करवा रहा है? अरे गाइस लगता है कुछ ज्यादा ही हार्ड ट्रेनिंग करवा दी मैंने स्टॉक से। मेरे भाई मुझे माफ करना, मैं तुझे दुनिया का बेस्ट ऑफिसर बनाया जाता, बेस्ट ऑफिसर के चक्कर में मेरा बेस्ट खात्मा कर दिया तूने भाई। एक मिनट, ये क्या हो गया स्टॉक? बोल, हेलो स्टॉक, क्या हो गया तेरे को? नहीं 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 स्टॉक, तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, क्या करूं? एक काम करता हूं, पीछे जाता हूं और स्टॉक में टक्कर मारता हूं। उठ जा भाई। गाइस स्टॉक के लिए प्लीज वीडियो लाइक करो। अरे आप फ्रैंकलिन, पूरा सर चकरा गया मेरा। अरे बाप रे गाइस, इतनी खतरनाक ट्रेनिंग करवा दी तूने, तुझसे सही तो वो मिक्स सिटी है। ए, ये क्या हो गया टोनी भैया को? लगता है टोनी भैया कुछ नहीं करेंगे। हां मुझे तो लगता है टोनी भैया खुद को डूब के मरवा लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है फ्रैंकलिन, इससे थोड़ी सी कम ट्रेनिंग दे दे। अच्छा चल ठीक है, पहले मैं यहां पर ना तेरा लेवल ऑफ पेशेंस बढ़ाता हूं। वो क्या होता है, मैं तुझे असल में समुद्र में लेके चलता हूं, मुझे शार्क मछली से ना खिलवाना, मैं नहीं करूंगा वरना ट्रेनिंग। नहीं 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 ऐसा नहीं है, तू चिंता मत कर, बस तू मेरे साथ समुद्र में चल। अरे बाप रे, मुझे तो लगता है इस बार फ्रैंकी भैया टोनी भैया को मरवा के मानेंगे। वाह भाई साहब, मैंने तो सोच लिया इसका अंतिम संस्कार कैसे करना है। चुप रहो तुम लोग, मेरा फ्रैंकलिन भाई मुझे मरवाएगा नहीं, ताकतवर बनाएगा, ताकतवर। बिल्कुल सही कहा, जल्दी आओ, बात मत करो। ऑलराइट गाइस, मैं स्टॉक को लेकर आ गया हूं इस खतरनाक समुद्र के पास। असल में आज ना समुद्र का पानी बहुत गर्म है। हैं गर्म क्यों है? क्योंकि यार भरी गर्मियां पड़ रही हैं, पूरी दुनिया में कोने कोने में बारिश हो रही है, लेकिन हमारे लॉस सेंटोस में बारिश नहीं हो रही, क्योंकि गाइस यहां पापी इतने भर गए। बिल्कुल सही कहा, करप्टेड ऑफिसर भर गए। मेरी बात सुन स्टॉक, ये करना क्या होगा, तुझे समुद्र के बिल्कुल कोर में जाना होगा, यहां बैठकर तुझे मेडिटेशन करनी होगी, वो भी पूरे 30 सेकंड के लिए। बाबा साहब इस बार चीटिंग भी नहीं चलेगी, इस बार टाइमर लगा दियो कल वे। हां इस बार टाइमर भी लगा देंगे। अब फ्रैंकलिन 30 सेकंड, एक तो पानी गर्म, ऊपर से बिल्कुल कोर में जाना है, वहीं जाने जाने में मुझे 1 मिनट लग जाएगी। ऑलराइट, अब टाइमर चला भाई, चालू कर दे। नहीं नहीं नहीं, पहले तुझे एक पोजीशन में रुकना होगा, तेरा लेवल ऑफ पेशेंस में बढ़ाना होगा। अरे कैसा पेशेंस फ्रैंकलिन, अरे बाप रे गाइस, मैं यहां पर रुका हूं। फ्रैंकलिन हो गई 30 सेकंड। नहीं नहीं नहीं, अभी 5 सेकंड हुए। मुझे तो लगता है टोनी भैया 4 सेकंड में हार जाएंगे। अरे कितनी सेकंड हो गई फ्रैंकलिन? अरे मेरा बस के नहीं है, ओ मेरा दम डूब रहा है, ओ मतलब मेरा दम घुट रहा है भाई, ओ मैं मर जाऊंगा फ्रैंकलिन, बहुत ज्यादा गर्मी है अंदर, वहां पर बिल्कुल भी सांस नहीं आ रही है मेरे को। हे टोनी भैया तू हार गए। टोनी ये क्या कर रहा है तू? फ्रैंकलिन मुझे माफ कर दे, मैं शायद अब पुलिस वाला बनने लायक नहीं रहा। ब्लैक फ्रैंकलिन सही कह रहा था, मैं सबसे नूब हूं।
मेरे पास जब मेरा आयरन मैन का सूट नहीं होता, मैं कुछ नहीं हूं। ये क्या कह रहा है स्टार्क? तू याद कर अपने दोस्तों को, क्या तू उनकी कुर्बानी देने देगा? वो अपने दोस्तों को, अपने सारे एवेंजर्स को कैसे बुरी तरह से पीट पीट के जेल में ले गए, और क्या पता वो उनको पूरी तरह से टॉर्चर कर रहे हो, आग में जला रहे हो। सोच टोनी स्टार्क, सोच मेरे भाई क्या हो रहा होगा उनके साथ। फ्रैंकलिन, नहीं, मैं अपने एवेंजर्स को बचा लूंगा, इन सब पुलिस वालों को मैं सजा दे के रहूंगा, मैं दुनिया का बेस्ट ऑफिसर बनूंगा। इस बार मैं गाइस जा रहा हूं, इस बार कोई बहाना नहीं, चाहे कुछ भी है, 30 सेकंड तो क्या, मैं 35 सेकंड रोक लूंगा। ऑलराइट गाइस, यहां पर देखिए टाइमर चल रहा है, आप प्लीज मेरे लिए प्रे कीजिए, कमेंट में जल्दी से टोनी स्टार्क ओपी लिख दीजिए। बिल्कुल सही कहा गाइस, आयरन मैन ओपी नहीं, आज मुझे टोनी स्टार्क बनकर जीतना है, मुझे यहां पर एक बेस्ट पुलिस वाला बनना है, मुझे ब्लैक फ्रैंकलिन को मुंह तोड़ जवाब देना है। ये बिल्कुल ये बात कही मेरे भाई ने। अरे वाह, टोनी भैया ने तो सरवाइव कर लिया। एहे, कमाल कर दिया मैं टोनी भैया ने। वाह भाई साहब, वाह टोनी, तूने तो आग लगा दी। देखा गाइस, मैंने पूरे 30 सेकंड मेडिटेशन कर ली, फाइनली यहां पर जान में जान आई। फ्रैंकलिन, देखा मैं यहां पर अब पुलिस वाला बनने के लिए तैयार हूं। नहीं यार स्टॉक, ये तो अभी शुरुआत थी। एक मिनट, ये क्या कह रहा है कि तू अभी शुरुआत थी? हां बिल्कुल सही कहा, ये सबसे तेरी बेस लेवल की ट्रेनिंग थी। खैर मैंने पूरी की ना? हां बिल्कुल की थी। हे, अब मजा आएगा, देखते हैं टोनी भैया की कौन सी ट्रेनिंग होगी दूसरी। चल टोनी स्टॉक, वापस एयरपोर्ट चलते हैं। वापस एयरपोर्ट क्यों मेरे भाई? वहां पर जो तूने लास्ट ट्रेनिंग छोड़ दी थी, अब तू उसको कर पाएगा, क्योंकि तेरा लेवल ऑफ पेशेंस बढ़ चुका है। अब तू अपने पेशेंस से काम लेगा और अपने दर्द को और ज्यादा बढ़ने देगा और उसको बुरी तरह से कंट्रोल कर लेगा। उसके बाद तू जीत भी जाएगा मेरे भाई, मुझे तुझ पर पूरा यकीन है। अरे बाप रे फ्रैंकलिन, बातें तो इतनी बड़ी बड़ी कर रहा है, क्या मैं सच में ये कर पाऊंगा? बाप अच्छा, हमारा टोनी विजेता करके आएगा, विजेता। अजी हाँ, उसको विजय कहते हैं, विजेता नहीं। अरे जो भी कहते हो भाई, बस मैं जीत जाऊं। ठीक है फ्रैंकलिन, मैं जा रहा हूं, और इस बार भाई को टाइमर मत रखियो, क्योंकि मैं इतनी तेजी में जा रहा हूं। चल गया फ्रैंकलिन, मुझे बचा ले। नहीं टोनी, अभी मैं तुझे नहीं बचा सकता मेरे भाई, तुझे खुद की मदद करनी होगी। बिल्कुल सही कह रहा है फ्रैंकलिन, तो अब मैं यहां पर रहूंगा नहीं, अब मैं सीधा भागूंगा, मैं यहां पर दुनिया का बेस्ट पुलिस वाला बनूंगा। भाग टोनी भाग, आज तेरी जिंदगी तेरे हाथों में, तेरे दोस्तों की जिंदगी तेरे हाथों में। क्या, वाह मैंने कर दिया फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन देख मैंने कर दिया। अरे बाप रे, लेकिन मुझे आग लग गई, बच तो गया मैं। फ्रैंकलिन तूने देखा, मैंने कर दिया मेरे भाई। अरे बाप रे, प्लेन में आग लग जाए, फ्रैंकलिन जल्दी से चाल को हटा वरना प्लेन फट जाएगा। अरे वाह टोनी भैया ने कर दिया। वाह भाई साहब, वाह टोनी तो कमाल कर रहा है, ये तो फ्रैंकलिन से भी टॉप का ऑफिसर बनेगा भाई साहब, टॉप का ऑफिसर। लेकिन अभी तो ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई है। क्या, एक और ट्रेनिंग है। बिल्कुल सही कहा, तुम लोगों को अभी कभी मेरे पास चलना होगा वाइनवुड वाले रोड पर। वाइनवुड वाले रोड पर फ्रैंकलिन, वहां क्या होने वाला है? चलो चलो, तुम्हारे सरप्राइज को वहीं पर बिगिन करूंगा। देखना है गाइस, अब यहां पर हमारा टोनी निशानेबाजी कर पाता है या नहीं। फ्रैंकलिन, निशानेबाजी गन से होती है, तूने मुझे आरपीजी थमा दिया है भाई। मैं यहां पर युद्ध थोड़ी लड़ने जा रहा हूं, बस अवेंजर्स को बचाना ही तो है। वो युद्ध से कम नहीं है मेरे भाई, भूल मत, पूरा डिपार्टमेंट तेरे खिलाफ है, हमें पूरे डिपार्टमेंट को साफ करना होगा, हमें कानून को बचाए रखना होगा। इसलिए सामने जितने भी टारगेट है, बिना मिस किए लगातार तुझे यहां पर रॉकेट चलाने होंगे और इन सबको गिराना होगा। टोनी भैया आप कर सकते हैं, मुझे पूरा यकीन है। एहे टोनी भैया तो एक बार में ढेर हो जाएंगे। अरे मैं जीतूंगा, एहे मैं जीतूंगा। अरे फाड़ लिया खुद को, अरे ये क्या होगा। फ्रैंकलिन यार, मैंने हमेशा ना जितने भी मिसाइल विसाइल छोड़े अपने आयरन मैन के सूट से छोड़े है, खुद नहीं छोड़े। अबे टोनी क्या कर रहा है, इतना पास जाके नहीं मार दे तो क्या करते है दूर जाके? हाँ थोड़ा सा एकदम, ना तो दूर ना ज्यादा पास, पहले एम लगा। अबे क्या कर रहा है, डायरेक्ट ट्रिगर ना बताओ। अबे मेरे को नहीं पता फ्रैंकलिन, मैंने हमेशा सूट से लड़ाई की, अकेले नहीं की। चल गई आग, अरे मर जाऊंगा मैं, पानी लाओ। पानी नहीं है सॉरी, सारा पी लिया हमने। अरे यार पानी रखना चाहिए था गाइस, मुझे समुद्र ढूंढना होगा। यही समुद्र तो कोस से दूर है। अब उम्मीद छोड़ दीजिए टोनी भैया, अब आप मरने के लिए तैयार हो जाइए। नहीं मैं मरूंगा नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, मुझे अपने एवेंजर्स को बचाना होगा, मुझे बेस्ट पुलिस वाला बनना होगा। फाइनली गाइस, यहां पर मुझे डैम का पानी मिल गया, जिसकी वजह से मैं बच गया, वरना सिंचन पिंचन ने तो मेरे फ्यूनरल की भी तैयारी कर ली होती। फाइनली मैं बच गया, लेकिन एक मिनट, मैंने अपनी ट्रेनिंग तो पूरी नहीं की है, जल्दी जाता हूं वरना फ्रैंकलिन मुझसे नाराज हो जाएगा, कहीं वो मुझे ट्रेनिंग देने से मना ना कर दे। फ्रैंकलिन, अरे यार मैं उसको शायद बहुत दूर छोड़ आया हूं। फ्रैंकलिन मैं आ रहा हूं मेरे भाई, फ्रैंकलिन इस बार मैं जीत करूंगा। वाह भाई साहब, हमें लगता है इस बार टोनी जीत कर ही रहेगा। हां मुझे लगता है इस बार टोनी भैया जीतेंगे। यही नहीं जीतेंगे। अच्छा बेटा पिंचन, अभी बताता हूं, पहले एम फिर ट्रिगर। वाह कमाल कर दिया, एक से तीन निशाने, लेकिन थोड़ा सा सेंटर में मारनी कोशिश कर भाई, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ठीक है, ये देखा। वाह भाई टोनी, तूने तो निशाना लगाने से पहले के पहले टारगेट सारे ढेर कर दिए। देखा, इसी को कहते हैं जादुई टोनी स्टार्क। तुम आयरन मैन को देखे हो, स्टार्क को नहीं, अब देख लो। अजी वाह आपने तो कमाल कर दिया। वाह भाई तो मेरी तो जीभ भी लटक गई, इतना खतरनाक निशाना मारा है टोनी स्टार्क। अब तेरी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। एक मिनट फ्रैंकलिन, सच में इसका मतलब मैं पुलिस वाला बन गया? नहीं नहीं नहीं, अब तेरा टास्क स्टार्ट होता है। क्या, ट्रेनिंग और टास्क अलग होते हैं? बिल्कुल, अब तुझे फिर साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। पुलिस स्टेशन? अबे वहां तो सारे के सारे करप्टेड लोग भरे पड़े हैं। लेकिन आप पुलिस स्टेशन क्यों लेके जा रहे हैं? वाह भाई साहब, मेरे को तो लग रहा है फ्रैंकलिन महाभारत करवाएगा यहां पर। चलो तो सही मेरे साथ, खूब बता दूंगा। ऑलराइट गाइस, मैं यहां पर टोनी को लेके आया हूं। ऑलराइट टोनी, यहां पर तेरी ट्रेनिंग का पार्ट पूरा हुआ, अब समय आ गया तेरा पुलिस ऑफिसर का
ऑफर्स निभाने का, लेकिन वो कैसे मैं बताता हूँ। सबसे पहले मेन एंट्रेंस में जितने भी ऑफिसर हैं इन सभी को या तो ये नॉकडाउन करना होगा या फिर इनसे बचते हुए आगे जाना होगा। लेकिन क्यों, वहां पर जितने भी ऑफिसर्स हैं इन सबको तो ये बेहोश करना होगा या फिर मारना होगा, क्योंकि ये सब करप्टेड है, ये हमारे एवेंजर्स को टॉर्चर कर रहे हैं। अरे नहीं, अरे हल्का बचा, ओडिन के सम बचा ले, अरे मेरे को भी बचा ले। एवेंजर्स तुम चिंता मत करो, मैं अभी आ रहा हूँ। अरे बाप रे गाइस, मेरे पास तो वेपन्स भी नहीं है ठीक से, लाल छुप छुप कर जाने सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ऑलराइट गाइस, मैंने इन लोगों को तो छोड़ दिया, ये ऑफिसर्स और हैं, इनकी नजरों से ही मुझे बचना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, एकदम शांति से बीच में से निकलता हूँ। भागो 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 भागो, जल्दी भागो एवेंजर्स, मैं तुम्हें बचा लूंगा। अरे टोनी सर, वो जल्दी बचाइए, साइड में फायर एक्सटिंग्विशर है, उससे बचाइए मेरे को। टोनी जल्दी उठा। अरे बाप रे, ये टोनी तू इधर क्या कर रहा है, मैं तेरे को मारूंगा, चले चले चल, तेरी टांगे तोड़ दूंगा फ्रैंक की तरह। अरे फ्रैंकलिन मुझे बचा, तेरे को फ्रैंकलिन नहीं बचाने वाला। ए चलो भाइयों, इसको ना काल कोठरी में लेके जाओ। काल कोठरी, ये क्या होता है, ये असल में हमारी और भी खतरनाक जेल है, तो जैसे सुपर विलन्स के लिए। मैं सुपर विलन नहीं हूँ, मैं नॉर्मल ह्यूमन हूँ, मुझे अवेंजर्स के पास ही छोड़ दो और आग को बुझा दो, ये मर जाएंगे। ये मरेंगे नहीं, चिंता मत कर, मरेंगे तो इनको वापस जिंदा करवा के फिर चलाएंगे। अरे नहीं, इतना बुरा टॉर्चर कौन करता है, उस ब्लैक फ्रैंकलिन को मैं छोड़ूंगा नहीं। ऑफिसर तो सुन ले, अबे तू मरेगा बेटे, चिंता मत कर, अब तेरे को हम काल कोठरी में डालने वाले हैं। ऑफिसर मेरी बात मान, मुझे मेरा यूनिफॉर्म दे दे, तेरे को कुछ नहीं मिलेगा। मजा आ गया, ब्लैक फ्रैंकलिन बहुत ही खुश हो जाएंगे जब उनको पता चलेगा मैंने टोनी स्टार्क को पकड़ा है मैंने। अबे जल्दी गेट बंद कर देता, ये भी ना बात। ओ भाई, अब तो मजा आ गया गाइस, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको देख लूंगा इसने जो मेरे साथ किया ना है। ये क्या, नहीं इसने यार गेट लॉक कर दिया, मुझे यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, मैं क्या करूँ, फ्रैंकलिन तो डिसअपॉइंट हो जाएगा। गाइस यहाँ पर आग लगी हुई है, मुझे अवेंजर हैं। एक मिनट दोस्तों, रात हो चुकी है, ओ माय गॉड, शायद मैं बेहोश हो गया था और मुझे पता नहीं चला। गाइस अगर रात हो चुकी है तो मतलब जितने भी ऑफिसर्स हैं या तो वो अपने घर चले गए होंगे या फिर सो गए होंगे। देखिए गाइस, इन सभी को, इन सब की नाइट ड्यूटी है, लेकिन कैसे आराम कर, इसको देखिए भाई बेहोश होकर पड़ा है, इन सबको देख लूंगा मैं। गाइस मेरे पास आखिरी रॉकेट बचा है, क्योंकि ये ट्रेनिंग में मैंने बचा के रखा था। अरे बाप रे अवेंजर्स, मुझे माफ करना, मैं तुम लोगों को भी बचा नहीं पाऊंगा, कितनी ज्यादा आग लग रही है, लेकिन दोस्तों मैं इनको जरूर बचा के रहूंगा, पहले मुझे यहां से जाना पड़ेगा। फ्रैंकलिन, अरे बड़ी जोर से लग गई। फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन कहाँ पर है तू? अरे आप, मेरा फ्रैंकलिन कहाँ है? अजी बाप रे, टोनी भैया आप वहाँ पर क्या कर रहे थे? इतना टाइम कैसे लगा दिया? बाप आज चाव, कहीं तू उन पुलिस वालों का साथ तो नहीं मिल गया? अरे ऐसा नहीं है, मेरी बात तो सुनो, मैं असल में पिट के आ रहा हूँ। स्टॉक, एक और ऑप्शन है, तुझे अपना यूनिफॉर्म चाहिए। क्या यूनिफॉर्म कहाँ से मिलेगा? मुझे खुद नहीं पता, मैं बताता हूँ, असल में पुलिस स्टेशन के ऊपर मैंने ब्लैक फ्रैंकलिन को जाते हुआ देखा था, जरूर उसी के पास तेरा ये खतरनाक आयरन मैन वाला ब्लैक पुलिस वाला सूट होगा। हाँ भाई, तू सही कह रहा है। गाइस अगर मुझे यहाँ पर जीतना है तो मुझे मेरी यूनिफॉर्म भी चाहिए, क्योंकि एक पुलिस वाला बिना वर्दी के पुलिस वाला लगता ही नहीं है, और अब समय आ गया है अपनी वर्दी को पहनने का। और गाइस मेरी पुलिस की वर्दी तो कोई साधारण पुलिस की वर्दी है भी नहीं, मैंने चुपचाप यहाँ पे इसको ले लिया, अगर मैं इसको पहनता तो ये साउंड करता, उस वजह से मैं इसको इधर ले आया। बे टोनी स्टार्क, जल्दी से इसको पहन और यहाँ पे निकल जा। मैं नहीं पहन सकता, ये साउंड करेगा बहुत बुरे वाले। अच्छा ठीक है, चलो जल्दी चलते हैं इससे पहले कि ब्लैक फ्रैंकलिन भैया का डिपार्टमेंट आ जाए। ऑलराइट गाइस, हम यहाँ से भाग के आ गए, लेकिन यार तेरे सूट का फायदा क्या हुआ, इसको जल्दी पहन एवेंजर्स को बता। लेकिन फ्रैंकलिन सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, मैंने सूट को आज तक पहना नहीं, हो सकता है मैं इसको पहनूं और यहाँ पर ये अनकंट्रोलेबल हो। ये सर, तो तुझे इसको पहनना होगा और इसकी भी ट्रेनिंग लेनी होगी। ऑलराइट गाइस, ये मेरा 5-स्टार पुलिस वाला खतरनाक यूनिफॉर्म, और अब मैं इसको पहनने जा रहा हूँ। ऑलराइट दोस्तों, 1 2 3 ऑलराइट, मैंने इसको पहन लिया है, सबसे पहले यहाँ पर उड़ने की ट्रेनिंग लेता हूँ। अरे अरे फ्रैंकलिन, अरे मेरे को बचाओ, नहीं नहीं बड़ी जोर से लगी। ये क्या, मैं यहाँ पर इधर उधर क्यों जा रहा हूँ, लगता है सूट में ग्लिचेस है। अरे बाप रे, नहीं 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 नहीं, अरे बाप रे टोनी भैया क्या कर रहे हैं? अरे मैं पिट रहा हूँ बुरा वाला। गाइस यार, मैंने यहाँ पर ग्राउंड लेवल की ट्रेनिंग तो ले ली, लेकिन अब अपने यूनिफॉर्म को मैं ठीक से पहन तो लिया, लेकिन उड़ा नहीं पा रहा हूँ। कमोन कमोन, अरे बाप रे टोनी, तुझे करना होगा, हमारे पास बहुत कम समय है, इससे पहले कि अवेंजर्स को किसी दूसरे देश वो लोग प्रिजन में शिफ्ट कर दें, हमें उसे जेल से छुड़ाना होगा। बिल्कुल सही कहा, मैं उसको थाने जाकर, पुलिस थाने जाकर बचाऊंगा और बुरे वाले पुलिस वालों को पीट कर यहाँ पर एक नया लॉ बनाऊंगा। अरे नहीं, फाइनली क्या बात है फ्रैंकलिन, मैंने फाइनली अपने यूनिफॉर्म पे कंट्रोल पा लिया। ये हुई ना रियल पुलिस वाली बात। हाँ, हमारी टोनी भैया तो मर्द रियल मर्द, तो कुछ भी नहीं है गाइस। ये देखो क्या बात है गाइस, आज से पहले मुझे नहीं लगता आपने किसी भी पुलिस वाले की इतनी सुपर यूनिफॉर्म देखी होगी। ओ माय गॉड टोनी स्टार्क, तूने तो कमाल कर दिया मेरे भाई, अब जल्दी जा और जाकर जितने भी एवेंजर्स हैं सबको बचा, हम जाकर पुलिस वालों को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, तुम सभी को उड़ा के ले जाइयो। इतनी जल्दी नहीं, मैंने इस वाले सूट में ट्रैकर लगा रखा।
रखा था। जैसे ही मैं सुबह उठा मुझे पता चल गया था टोनी आया होगा इस लंगड़े लूले के साथ और ले गया होगा सूट को। चल बेटा अब बहुत देर तूने सूट को ले लिया, फ्रैंकलिन को जान से मार दूंगा, चुपचाप इस सूट को मुझे लौटे दे। नहीं ब्लैक फ्रैंकलिन गलती कर रहा है तू, फ्रैंकलिन को टच भी किया ना तेरे को खत्म कर दूंगा। अबे ओए लंगड़े लूले फ्रैंकलिन, चुपचाप अपने क्रिमिनल दोस्तों से बोल दे कि अपने आप को हमारे हवाले कर दे, वरना तेरी तरह इनको भी लंगड़े लूले बना देंगे। अच्छा बेटा गाइस अब कमेंट में जल्दी से पार्ट 3 को, पार्ट 3 में वापस आएंगे और इस ब्लैक फ्रैंकलिन को पीट के अपने पुलिस डिपार्टमेंट को अच्छा बनाएंगे। बिल्कुल हां जल्दी कीजिए गाइस।